अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर के रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए जयपुर से भेजे जाएंगे 2100 सरसों के तेल के पीपे। सीता रसोई के लिए भेजे जाएंगे तेल के पीपे। जयपुर में आज निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में तेल के पीपों को किया जाएगा रवाना। शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे शिरकत। तो सीता रसोई के लिए तेल के पीपे भेजे जा रहे हैं, 2100 तेल के पीपे भेजे जाएंगे और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो भव्य, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रसाद भी बनाया जा रहा है, 56 भोग की व्यवस्था की जा रही है। और अब आपको बता दें कि 2100 तेल के पीपे जो हैं जयपुर से भेजे जाएंगे। तो अपने आप में अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें रामलला के लिए भेजी जा रही है। कहीं से वस्त्र रामलला के लिए आ रहे हैं, कहीं से तेल के पीपे आ रहे हैं, कहीं से घी की पेटियां आ रही हैं। तो आप खुद सोचिए कि इतना भव्य तरीके से इस बार राम लला का जो है स्वागत किया जा रहा है। और 22 जनवरी को जो वो समय रखा गया है, 22 जनवरी को ऐसा दिन होगा जब हर कोई उनके आगमन के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा। लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो जाएगा 22 जनवरी को, क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और उसी के लिए जयपुर से 2100 तेल के पीपे भी भेजे जा रहे हैं। अगर बात करें कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम बहुत ही भव्य रखा गया है। हर किसी से अपील की गई है, देश की जनता से अपील की गई है कि अपने घरों में दीपक जलाए और उस दिन को दिवाली के जैसा मनाया। अनूप शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, अब वो समय दूर नहीं है, 22 जनवरी बेहद ही करीब है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, इसके लिए जयपुर से 2100 तेल के पीपे जाएंगे। कैसी क्या व्यवस्था है और क्या कुछ इस बार जयपुर की तरफ से रामलला के यहाँ पे भोग लगने वाला है, क्या कुछ चीजें हैं जो जयपुर से खासतौर पर राम मंदिर के लिए जा रही है? जी हाँ बिल्कुल, 22 तारीख को अयोध्या के श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और इसी के साथ ही जयपुर है, यहाँ पर भी कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जयपुर से 2100 तेल के पीपे आज यहाँ से रवाना किए जाएंगे, जिसके अंदर के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहेंगे। वो खुद इस जो पीपे हैं इनको यहाँ से रवाना करेंगे और इसी के साथ ही जो श्याम भजन मंडली है उसकी ओर से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से पूरे शहर के अंदर पूरा शहर, मतलब कि आज राममय होने वाला है। और जो शोभा यात्रा होगी उसके अंदर हाथी है, ऊंट है, घोड़े हैं और बग्घी है, वो सब इसके अंदर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल अनूप, और ये भव्य दरबार भी लगने वाला है, उसको लेकर इस शोभा यात्रा जो निकाली जाएगी उसमें जैसा आपने बताया कि खुद सीएम भी जाएंगे, कलराज मिश्र भी शिरकत करेंगे, तो और क्या कुछ तैयारियां जयपुर की तरफ से की जा रही है रामलला के लिए? यहाँ देखिए, रामलला के लिए जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। शहर के जो विभिन्न मंदिर हैं वहां पर जो आयोजन है वो किए जा रहे हैं। कल भी जैसा कि हमने बताया था